माँ के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्रतम रूप में है, माता यानी जननी। आज हम आपको मिलाते हैं सौम्या पांडे से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही एक नन्ही सी बिटिया को जन्म दिया है। इनके बारे में खास बात यह है कि आप गाजियाबाद के मोदीनगर में IAS के पद पर तैनात हैं। एक महीने से भी कम समय में दोबारा से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वापस ऑफिस आने लगी हैं। बिल्कुल, मैं एक IAS अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए, प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे के और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। तो प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मेटर्निटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएँ दे पा रही हूँ। मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली सौम्या पांडे की गाजियाबाद में ये पहली नियुक्ति है एवं बिटिया को जन्म देने के बाद मात्र 22 दिन के अवकाश पर जिला अधिकारी के निर्देश पर उन्होंने फिर से अपने कार्यभार को संभाल लिया है। अपनी इस काबिलियत का श्रेय वो अपने परिवार को देती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का मुझे बहुत योगदान मिला, उन्होंने मेरे हर कार्य को बखूबी करने में मेरा साथ दिया है। सौम्या पांडे ने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि कोरोना की जल्द से जल्द रोकथाम करनी है, इसके लिए प्रयास जारी हैं। मैंने कई अस्पतालों की मॉनिटरिंग की है, मैं अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखती हूं और जनता की भी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूं। द पंजौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।